अच्छे वक्त देखता है दूसरी पार्टी हो तो एक धक्की पार्टी हो जिसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ की ऐसे दावे लोग किसी की कोई ठेकेदारी बीच में नहीं होगी नई राजनीति शुरू करेंगे यहाँ एक नहीं दो MLA मिल रहे हैं सबके। वो कैसे? वो यूँ है, चौधरी सतपाल सिंह का तो पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना है, और इन्होंने हमेशा उनके इनके बेटे होने के नाते उन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इनको एक एक चीज का पता है यहाँ हल्के की, कहाँ काम होना है और कहाँ नहीं होना है। जी बिल्कुल, मेहनत करके दिखाए हो, पहले करके दिखा रखा है। अच्छा, इनको पूरा विश्वास है तो एक्सपीरियंस वो काम आएगा। सतपाल सिंह बिल्कुल आएगा जी। क्या माहौल रहने वाला है? माहौल ठीक है, बीजेपी का एक तरफा है या कैसा है? एक तरफा तो कोई बना। अच्छा, तो लेकिन वोट ज्यादा मिलेंगी या कैसे मिलेगी? वोट ज्यादा बीजेपी का। अच्छा, की बहुत अच्छी सभी है। एक काम जो शहर का अगर विकास किया चरखेदादरी हल्के का, तो सिर्फ और सिर्फ सतपाल सांगवान जी मंत्री जी का नाम आता है सबसे पहले, सबसे ऊपर, और यही कारण है उनको आगे भी, अब उनके लड़के हैं जो सुनील सांगवान जी को MLA बनाने का, हमारा यही है। हमारे शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ सुनील सांगवान जी और सतपाल सांगवान मंत्री ने किया, और किसी ने नहीं किया। सुनील सांगवान का माहौल बना हुआ भाई, सब जनता ने सोच रखा एक तरफा माहौल बना रखा है, एक तरफा सा माहौल, एक तरफा माहौल बना रखा है बिल्कुल भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि टफ फाइट रहेगी, वो क्या क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बिल्कुल भाई जी। अब की बार नई सोच के साथ भाजपा ने अपना प्रत्याशी सुनील सांगवान को चुना है, तो नई सोच है तो विकास कार्य भी नए होंगे, एजेंडे भी नए होंगे। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं BTS लाइव न्यूज। इस वक्त हम चरखी दादरी के गाँव बरसाना में मौजूद हैं, और आज यहाँ पर नामांकन करने के बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुनील सांगवान, वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उनके पहुँचने से ही पहले आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे लोगों यहाँ पर अपने पहुँच चुके हैं, कार्यक्रम स्थल है ये, और गांव के ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके स्वागत की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक टेंट इस साइड लगा हुआ है, तो दूसरा टेंट दूसरी साइड में भी वहाँ पर भी लगाया हुआ है, और लोगों से हम यहाँ पर जानने के लिए पहुँच गए हैं कि क्या कुछ उन लोगों का समर्थन है, क्या कुछ समर्थन के साथ यहाँ पर खड़े हैं। तवजी राम राम। राम राम जी। ये कैसा समर्थन करोगे जी? मेरे तो सतपाल सांगवान का जी। पक्का है? पक्का है जी, हम तो भरोसा है उनके ऊपर की काम करवा देंगे। बिल्कुल भरोसा है जी। तो पहले जैसे सतपाल सांगवान रहे थे, मंत्री रहे थे, तो अब की बार क्या माने कि दादरी से भी मंत्री पद मिल सकेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा जी, जरूर। विश्वास है आपको? विश्वास है जी। जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करा पाएंगे? बिल्कुल जी, वो दूर कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता जी। सुनील सांगवान पे देख लीजिए, लोगों को भरोसा है, जरा इधर और भी जानेंगे। भाई साहब राम राम। क्या भरोसा है सुनील सांगवान जी को? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया नेता है जी, और बहुत काम करवाया है बीजेपी सरकार से, बड़े कोई सरकार ही नहीं है, बहुत काम करवा रहे हैं जी। तो लगता है जो आपका भरोसा विश्वास जो है वो उसको उस विकास के कामों में भी बदल पाएंगे? बिल्कुल जी, आगे आएंगे और बढ़िया काम करेंगे, इससे भी अच्छा काम करेंगे जी। बढ़िया काम करेंगे जी, ये कहना है, और लगातार जो है एक के बाद एक आज जो दौरे रहेंगे, जो नामांकन के बाद जैसे ही अब चुनाव प्रचार का जो दौर शुरू हुआ है, तो उसमें दौरे रहेंगे, वो अलग अलग गाँव के रहेंगे। अगर आज की भी मैं बात करूं तो हमारे पास एक बड़ी सारी लिस्ट आई थी, जिसमें लगभग 10 गाँव के जो दौरे हैं वो आज होने हैं, और उनमें तमाम गाँवों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे, दिखा दीजिए एक बार उस तरफ में, कि जैसे ही यहाँ पर पहुँचने को हुए हैं, तो उससे पहले ही यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लोगों से भी ज़रा जानते हैं जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप गाँव से हो जी? जी गाँव से जी। आपका जो क्या कुछ होने वाला है जी? जी देखो जी, 36 बरादरी जाते सभी भाईचारा के बीच में रहा है सुनील भाई साहब, और हमसे सबसे अपील से ये विनती करते हैं कि भाई सुनील को वोट देकर सफल बनाएं जी। भाई सुनील को देकर के सफल बनाने के बाद जी सर क्या कहेंगे सुनील साहब? मैं ये कहूँगा, यहाँ एक नहीं दो MLA मिल रहे हैं सबके। वो कैसे? वो यूँ है, चौधरी सतपाल सिंह का तो पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना है, और इन्होंने हमेशा उनके इनके बेटे होने के नाते उन्होंने काम किया है,
बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इनको एक एक चीज का पता है यहाँ हल्के की कहाँ काम होना है और कहाँ नहीं होना है। जी बिल्कुल, इस वजह से मेरा ये सुझाव है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सांसद धर्मवीर सिंह भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, और उनके साथ ही साथ यहाँ पर अगर दूसरी तरफ अगर देखेंगे सतपाल सांगवान जी पहुँच चुके हैं, सुनील सांगवान जी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो है भव्य स्वागत जो है वो उनका किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बाकायदा फूलमालाएँ पहना करके अपनी तरफ से जो है सुनील सांगवान का और सतपाल सांगवान जी का जो है भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो है सुनील सांगवान जी के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार आज एक के बाद एक गांव में सुनील सांगवान जी पहुँचने वाले हैं, जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, और उन जनसभाओं को संबोधित करते हुए यहाँ जो है अब बरसाना गाँव में वो पहुँचे हुए हैं, और बरसाना गाँव में पहुँच करके अब सभी लोगों से वो मिलेंगे और उनको अपने जो आने वाला समय में जो वो विकास कार्य करवाने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से और भी जानेंगे। जी विश्वास है सुनील सांगवान जी करवा पाएंगे काम? हाँ जी करवाएगा। हाँ जी, तो क्या कुछ आप लोगों को यकीन है कि भाई क्या कुछ ये करवा देंगे, गांव में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिनके बारे में आप इनको बताने वाले हैं? काम करवाएंगे हमारा पहले। अच्छा, सतपाल जी ने काम करवाया है, ठीक है, करवाएंगे तो उसी प्रकार ये भी करवा। हाँ जी करवाएंगे जी, पहले की तरह से ये भी काम करवा पाएंगे इनका कहना है। जी भाई साहब क्या कहेंगे, कैसा काम करवा पाएंगे? पूरा काम है जी सतपाल सांगवान का जी, पूरा जी समर्थन है पूरा, वोटों का काफी वोट है जी, यहाँ से जीत है पूरा जी। जी जीत है, जीत है। लगभग कितने वोट होंगे यहाँ पे? 1700 के करीब वोट है जी। हाँ, और उसमें कितने दिला देंगे आप इनको? बहुत सारे वोट हैं जी, सारे वोट एक तरफ आ जाएंगे, एक तरफ ही आ जाएंगे जी। एक तरफ आ जाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, जरा इनसे भी जरा जान ले जी सुनील सांगवान जी का कैसा सपोर्ट रहेगा यहाँ? बहुत बढ़िया रहेगा जी, जी। तो जो विश्वास आप लोग इनके ऊपर जता रहे हो क्या ये उसको विकास में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाऊंगा, मेहनत करके दिखाए हो पहले, पहले करके दिखा रखा है। अच्छा, इन पर पूरा विश्वास है तो एक्सपीरियंस वो काम आएगा सतपाल सांगवान जी? बिल्कुल आएगा जी। तो क्या क्या आप चाहते हो यहाँ पर कि ये लोग जब बन जाएं तब गांव में विकास करा पाएंगे? हम विकास के साथ नहीं हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा भाई, यही हमारा नारा है जी, राष्ट्र के लिए यहाँ पर तो कटेंगे, राष्ट्र हित के लिए हम पीछे। बीजेपी का जो नारा है राष्ट्र के नाम पे वोट दें, सतपाल सांगवान की जगह कोई घोड़ा होता तो हम घोड़े को भी वोट देते जी। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि किसी कोई भी होते तो उनको वोट देते जी। क्या लगता है आपको? सब देखो बदलाव जरूरी है, 10 साल से अभी तक सांगवान साहब सत्ता में नहीं थे तो विकास कार्य नहीं हो पाए। मैं तो बारडा ब्लॉक से हूँ, वैसे मदद के लिए आए, हम अच्छे इंसान और अच्छी पार्टी के साथ हैं। आपके गांव, आपके बारडा में ही इनका गांव भी पड़ता है, इसलिए राष्ट्र हित के लिए आए हैं, राष्ट्र हित चाहते हैं, शायद ये भला करेंगे यही उम्मीद है जी। यहाँ दूसरी तरफ देख लीजिए कि ग्रामीण जो हैं अपने सम्मान की पगड़ी जो है वो तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, चाहे उनमें सांसद धर्मवीर सिंह हैं, सतपाल सांगवान जी हैं और सुनील सांगवान जी हैं, उनको यहाँ पर अपने सम्मान की पगड़ी है वो यहाँ पर उनके द्वारा पहनाई जा रही है। और बाकायदा यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं वो सभी जो हैं वो अपना जो सम्मान है वो सतपाल सांगवान सुनील सांगवान के प्रति यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। क्या माहौल रहने वाला है? माहौल ठीक है, बीजेपी का है, एक तरफा है या कैसा है? एक तरफा तो कोई नहीं बना। अच्छा, तो लेकिन वोट ज़्यादा मिलेंगी या कैसे मिलेगी? वोट ज़्यादा बीजेपी का। अच्छा, तो किस वजह से मिलेंगी ये? मोदी की वजह से। मोदी की वजह से, अभी मोदी का जो जादू है वो चल रहा है जी, मोदी का जादू चल रहा है। भाई भी हैं यहाँ पर, और कमल का फूल का जो चिन्ह है जो पार्टी का वो बाकायदा जेब पर लगा करके जा रहे हैं जी। क्या लग रहा है, कैसा माहौल रहने वाला है, कैसा क्या रहे? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल चल रहा है बीजेपी पार्टी का, और श्री सतपाल जी हमारे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, इनकी बहुत अच्छी छवि है। एक काम जो शहर का अगर विकास किया चरखीदादरी हल्के का, तो सिर्फ और सिर्फ सतपाल सांगवान जी मंत्री जी का नाम आता है सबसे पहले, सबसे ऊपर, और यही कारण है उनको आगे भी, अब उनके लड़के हैं जो सुनील सांगवान जी को MLA बनाने का, हमारा यही है। हमारे शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ सुनील सांगवान जी और सतपाल सांगवान मंत्री ने किया, और किसी ने नहीं किया, और बहुत ही भारी मतों से इनकी जीत होने वाली है। बिल्कुल एक तरफा शहर का खुला माहौल है। बाकी विपक्षी दलों का क्या होने वाला है? विपक्षी दलों का देखो चुनावी माहौल है, सभी तरह के दल आते हैं जाते हैं, सभी अपनी अपनी पार्टी से लड़ते हैं,
कोई किसी का कहीं से थोड़ा बहुत वजूद है, किसी का कहीं से थोड़ा बहुत, 5-7-10 हज़ार की पार्टियां भी हैं जो इतने वोट ले जाती हैं, लेकिन सबसे जो हमारी मेन बातें हैं वो जीत की होती हैं, जो प्रत्याशी जो जीत का है, जो काम करने वाला है, समाज में लोगों के बीच रहने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ सतपाल सांगवान जी है। जी सतपाल सांगवान जी, और इधर आप दिखा दीजिए एक बार कि किस प्रकार से अब यहाँ पर सांसद धर्मवीर सिंह जो हैं वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, और सांसद धर्मवीर सिंह जो है आज सतपाल सांगवान जी के और सुनील सांगवान जी के यहाँ साथ में चुनाव प्रचार में निकले हैं, और तमाम लोगों से उनके द्वारा यहाँ पर सुनील सांगवान जी को वोट करने की यहाँ पर अपील की जा रही है, और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। जी सर, क्या माहौल लग रहा है? भिवानी से हैं जी, क्या लग रहा है जी, क्या माहौल बनेगा सुनील सांगवान जी का? सुनील सांगवान का माहौल बना हुआ है भाई साहब, जनता ने सोच रखा कि एक तरफा माहौल बना रखा है, एक तरफा सा माहौल बना, एक तरफा माहौल बना रखा है बिल्कुल भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि टफ फाइट रहेगी, वो क्या रहने वाला, क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बिल्कुल भाई साहब कोई टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में। ताऊ जी से और पूछ ले जी, भाई कह रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी है यहाँ से, बीजेपी से बरसाना से, और कोई नहीं, और कोई चलो इक्का दुक्का वोट चले गए वो तो अलग बात है, लेकिन खासकर बीजेपी है, बाकी जो विपक्षी हैं उनका कुछ नहीं, नहीं उनका कुछ नहीं, कोई वोट नहीं है जी। तो जी क्या कहोगे, क्या रहने वाला है? हमारे गांव से जी 70% बीजेपी का वोट जी, 10-20 वोट तो जाता है, और ज्यादातर बीजेपी का दौर, तो विश्वास है ये जो आगे आने वाले समय में विकास के लिए बढ़िया करवा पाएंगे ना? बढ़िया करे है जी, करे भी की जी, क्यों ये 10 साल योजना है। जेल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट से इन्होंने अपना रिजाइन दिया और उसके बाद अब जनता की सेवा में आए हैं, तो क्या ये वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो इस्तेमाल कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्यों, इसका बाप ने भी अच्छे काम किए हैं और ये भी अच्छा करेगा, तो जो क्राइम बढ़ रहा है उसको भी रोक पाएंगे ये लोग? हाँ जी रोकेंगे जी, रोकेंगे जी। यहाँ पर और भी भाई है, भाई तो पुराने समर्थक हैं सतपाल सांगवान जी के, क्या लग रहा है भाई, एक अब की बार जो है ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि पुराने टाइम में तो विकास काफ़ी किया था, लेकिन अब की बार क्या होगा? अब की बार नई सोच के साथ भाजपा ने अपना प्रत्याशी सुनील सांगवान को चुना है, तो नई सोच है, तो विकास कार्य भी नए होंगे, एजेंडे भी नए होंगे, भाई साहब ने घोषणा पत्र के रखा है, शायद ही किसी ने किया होगा पर्सनल, जो घोषणा पत्र है भाई साहब ने निकाला है दादरी के लिए, जो निकाला है तो वो पूरा भी करेंगे। क्या क्या बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या करने वाले हैं? देखिए डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो भाई ने किया है कि दादरी का 4 लेन होना चाहिए, बाईपास 4 लेन होना चाहिए, और पानी की निकासी के लिए दादरी से बोंद के लिए ड्रेन बनाने का काम करने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है, और एक जो क्रेशर जो अपने दादरी जोन में उनको क्रेशर उद्योग मतलब उसका बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, और दादरी में जो जल भराव है उसके लिए भी उन्होंने मतलब वो सोचा, पूरी योजनाएं बना चुके हैं वो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरी योजनाओं के साथ भाई साहब ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जी, तो यकीन है कि बढ़िया काम हो पाएगा है। यकीन नहीं है, विश्वास है जी, दादरी की जनता को भी विश्वास हो गया कि अगर कोई विकास करा सकता है तो चौधरी सतपाल सांगवान की तर्ज पे उनके बेटे सुनील भाई करा सकते हैं जी, सतपाल सांगवान जी की तर्ज पे सुनील सांगवान जो हैं वो विकास कराएंगे यहाँ पे। परना भी शायद पार्टी के कलर का, और क्या पार्टी के कलर में रंगे हैं जी? बिल्कुल रंगे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया केसरी जो परना है वो भी आपने डाल लिया है? बिल्कुल, किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूं जी। अच्छा, बीजेपी की पार्टी की तरफ। क्या रहने वाला है जी अब की बार? बहुत बढ़िया रहने वाला है, आज़ाद होने के बाद में अपने देश दादरी में कमल नहीं खिला था, अब की बार पहली बार दादरी के अंदर कमल खिलने जा रहा है, जो सुनील का प्रभाव है बहुत ही नरम प्रभाव है, सबसे मिलकर और सभा के आदमी मिलकर चलने वाला, और जिस टाइम पर जेलर थे उस टाइम पर भी आदमियों से बहुत बड़ी अच्छी तरह से डीलिंग कराया करते। रही बात जो हमारी पार्टी ने जो घोषणा की है, जैसे 2-2 हज़ार रुपये अब दिए गए हैं, जो इसके फसल न होने के किसानों के लिए भरपाई दिए हैं, जिसके पास आधा एकड़ हो उसके लिए भी 2 हज़ार रुपये हमारी पार्टी ने दिए हैं, किसान निधि के दिए हैं, और सबसे बड़ा जो कि अब 70 साल के बुजुर्ग हो, कोई भी हो, चाहे धनी वीर हो,
उनको 2.5-2.5 लाख रुपए की साल के अंदर मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 लाख तक का फ्री इलाज की उनको हमारी पार्टी ने घोषणा की है। और वो सब योजनाएं अब दादरी में भी अच्छे से लागू करवा पाएंगे? बिल्कुल, हमारे कमल खिले, हमारे प्रत्याशी जीत कराएंगे, हम सारे काम करेंगे तन मन से। सतपाल सिंह मंत्री जी बने थे हजका के टाइम पर, उस टाइम पर कांग्रेस वाले मंत्री बने थे, उस टाइम पर दादरी के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया था। 1996 में पहली बार विधायक बने उस टाइम पर, अभिभाग से चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होया करता तो दादरी मिनी सेक्टेट बनवाने का चौधरी सतपाल सिंह सांगवान ने ही काम, काफी काम किया था, तो अब की बार ये भी कर पाएंगे सुनील सांगवान। सुनील सांगवान भी उसी के लड़के हैं, इनका पुराना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो ये बहुत ही अच्छे काम करेंगे और कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया है जी। कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया हैं, और भी भाई हैं, युवा हैं जी, क्या लग रहा है कैंडिडेट अच्छे मिल गए हैं क्या? हाँ, बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा। अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होने के बाद एक जेल सुपरिटेंडेंट के बड़े पद से यहाँ से छोड़ करके आए हैं जनता की सेवा के लिए, तो क्या वो अपना काम जो है जैसे वहाँ कर पाते थे वो वैसा ही जनता के लिए कर पाएंगे? वहाँ का तो पता नहीं, जेल का एक अलग महकमा है, राजनीति अलग चीज़ है। ठीक है, अभी इससे पहले MLA रहे दादरी में, किसी ने विकास नहीं किया दादरी शहर का, देखो क्या बुरी हालत है। उम्मीद है अच्छा काम करेंगे, इसीलिए लोग इतना जन समर्थन है, लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, दिखा दीजिए एक बार जन समर्थन, और तमाम आज गाँव में पहुँचने वाले हैं, लगभग 10 गाँव का जो दौरा है आज किया जाना है, और शुरुआत जो है चरखी दादरी के गाँव अटेला से हुई है। 3 जो अटेला हैं, अटेला नया नया, अटेला खुर्द और अटेला कलां से कार्यक्रम अभी करके आ चुके हैं, और अब यहाँ जो है चरखी दादरी के गांव बरसाना में ये पहुँचे हुए हैं, और बरसाना में पहुँच करके और यहाँ पर आप जो देख पाएंगे कि जो तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर संबोधित किया है, और अभी अभी हम कोशिश करेंगे कि सुनील सांगवान जी से भी जो है हम यहाँ पर अच्छे से बात कर पाएँ, और कोशिश करेंगे कि हम जो दूसरे और जो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी हम बात कर पाएँ। देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के आज विड्रॉल की डेट है, इसके बाद पता चल जाएगा कि कितने उम्मीदवार किस विधानसभा में बचे हैं, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा समय मिलता नहीं चुनाव में। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी है, 2 बार हरियाणा में बन चुकी है, 3 बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हरियाणा के अंदर विधानसभा देखोगे तो 2014 में इस 9 में से 6 सीट बीजेपी को मिली थी, 3 अलग पार्टियों को मिली थी। फिर 2000 विधानसभा का चुनाव आया 2019 में, तो हमें 5 सीट पर जीत मिली, 4 फिर अदर्ज को गई थी। इस बार मैं दावे से कह सकता हूँ, हम 2014 और 2019 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें इस लोकसभा के अंदर लोगों के मुताबिक हम जीतने जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सरकार किसकी बनेगी। सांसद जयप्रकाश, मुझे आज भी पता है कि इन 2024 का पार्लियामेंट चुनाव जिसमें मेरी सबसे बड़ी हार हुई थी बाड़ड़ा, आज हम बाड़ड़ा भी जीतने जा रहे हैं, तो बाकी की सीटें तो आप अपना अंदाजा से देख लोगे क्या होगा, देखना। और फिर कहता हूँ आपके बीच में, महेंद्रगढ़ सीट से भी कांग्रेस का उम्मीदवार हारेगा, और यहाँ की सीट का मार्जिन हम बहुत अच्छी तरह से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। ये अभी आप लोगों ने सांसद धर्मवीर सिंह को सुना है, उन्होंने एक बार फिर से जीत का दावा किया है, और सुनील सांगवान जी से अभी जरा चर्चा करेंगे, और उससे पहले सतपाल जी हमारे साथ हैं। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? जनता का समर्थन आपने देख लिया होगा, वो भी दिक्कत है, तो जो अविश्वास जो जनता दे रही है उसको आप विकास में बदल पाएंगे? बिल्कुल, विकास करा देंगे, कोई रोड़ा जी, विकास का तो कोई चक्कर ही नहीं जी। चलते चलते हम यहाँ पर बात करेंगे, सुनील जी जनता को बड़ा भरोसा मिल रहा है आपका, तो क्या करने वाले हैं इस भरोसे के साथ? बिल्कुल, आप स्वयं देखेंगे, आप प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे दादरी के एक विकसित शहर बनाने में। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं गांव के लोगों का, और आने वाले 5 साल में आप इस दादरी विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर और तदबीर बदलते हुए देखेंगे। डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं बता रहे हैं, क्या उनको आप अपने घोषणा पत्र में भी लेने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाँव गाँव का अलग घोषणा पत्र है, गाँव के विकास कार्य तो करेंगे ही, साथ ही साथ हल्के स्तर का भी विकास कार्यों के लिए मैंने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस शायद जो पिछले टर्म में जो काम हुए हैं उनका सरे लेते
होती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सोमवीर सांगवान विधायक जो थे वो उनके साथ कहीं ना कहीं समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनके विकास को लेकर? सोमवीर सांगवान देखो मेरे खाप का प्रधान है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। एज ए विधायक जो वो बात कर रहे हैं उनके उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बड़े जो दावे हैं वो यहाँ पर कर दिए गए हैं कि एक बार फिर से जीत होगी और जनता की जो समस्याएं जो यहाँ पर जनता बता रही है उनको, उन जनता की समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा, उसके लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो बना ली गई बताई जा रही हैं और उन योजनाओं को लेकर के ही जो तमाम आगे की रूपरेखाएँ रहेंगी वो यहाँ पर सुनील सांगवान के लिए ने बताई है कि वो तमाम उन योजनाओं को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। जो भरोसा जनता दिखा रही है उस भरोसे को कहीं ना कहीं विकास में तब्दील करके वो दिखाने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, अभी गांव बिरी में पहुंचे थे और यहां पर केलों से तोल दिया गया है सुनील सांगवान को और सभी ने अपना जो प्यार जो आशीर्वाद है बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद यहां पर जो दिया है उसके बाद यहां पर जो एक बड़ी जो जनसैलाब यहां पर आप देख पा रहे हैं और ये जनसैलाब जो है कहीं ना कहीं जो है जीत का दावा कर रही है सुनील सांगवान का। और यहाँ पर लोगों से जरा हम चलते चलते बात करेंगे। भाई साहब इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से। क्या लग रहा है क्या भविष्य रहने वाला है सुनील सांगवान जी का? सुनील सांगवान का भविष्य बहुत ही बढ़िया रहने वाला, जीत पक्की है, जीत निश्चिंत है। कितने वोट हैं यहाँ पर, कितने आप दिलवाने वाले हैं? यहाँ अकेला 1500 वोट लेगा, अकेला 1500 वोट, 2500 वोट है और बाकी 1000 वोट सब है जी। 2500 वोट है जी। कौन से गाँव से है जी? बिरी से ही है। क्या माहौल चल रहा है गांव में? ठीक चल रहा है भाई साहब। अच्छा, बाकी जो दूसरी पार्टियों वाले हैं उनका क्या चल रहा है? तो बर्बाद जोरी से इनका ज्यादा जी। और भी लोग हैं यहाँ पर जी, इसी गांव से हैं? हाँ जी, बिरी क्लास से। तो क्या कुछ वोट दिला पाओगे, कितने वोट हैं आपके गांव में? वोट तो जी हमारे गांव 2500 करीब है। अच्छा, और ये कितना जो है माहौल बन रहा है कि जो इनके पक्ष में वोट चले जाएंगे? माहौल तो जी धर्मवीर जी की तरफ से तो कुछ ठीक है, बाकी तो क्रम के अनुसार चलेगा। अच्छा, तो बढ़िया चल रहा है मतलब धर्मवीर जी के अनुसार। बाकी मेहनत भी करनी जरूरी है जी। मेहनत भी करनी जी, मेहनत भी करनी जरूरी है। के माहौल चल रहा है बिरी में? मतलब अभी आकर के। अच्छा, गाँव बिरी से नहीं हो क्या? कौन से गांव से हो? मैं नीमड़ी से हूँ। नीमड़ी से हो? अच्छा, तो आपका तो मेरे ख्याल से अलग हल्का लगता है। ना ना यही है। अच्छा यही लगेगा। चलो, तो वहाँ क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? माहौल बढ़िया, इसी का है। इन्हीं का है। कितने वोट हैं गांव में? गांव में 1400। 1400 वोट है, तो कितने ले पाएंगे, कितना रेशो अगर हम जाने आपसे? ये मेरे ख्याल में 900 करीब ले जाएंगे। अच्छा, मतलब ये तो एक तरफा सा माहौल हो गया। बाकी कैंडिडेट कहाँ जाएंगे जो दूसरे दलों से हैं? वो अब अपनी जगह बताएंगे और कहाँ जाएंगे। तो जमानत जब्त कराने वाले उनकी? पक्का जी, जमानत जब्त कराने वाले हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि अंदर जा करके एक बार क्लिप ले लें और अंदर जा करके दिखा दें कितनी जो भीड़ है वो यहाँ बिरी में उमड़ करके आई है और पहले वाले जो गांव से भी और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो हॉल है वो पूरे तरीके से यहाँ पर भर चुका है और यहाँ देख पाएंगे कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब सुनील सांगवान के लिए यहाँ पर सभी लोग वोट की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपना एक भरोसा जताया है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से भी वो जो है सुनील सांगवान को विजयी बनाने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो बड़ी भीड़ है ये कहीं ना कहीं उसका दावा करती दिखाई दे रही है। हालांकि देखना होगा कि 5 तारीख को किस प्रकार से वोटिंग होगी, 8 तारीख को किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। हालांकि हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग वोट करने के लिए ज़रूर निकलेगा, वोट करेंगे तभी कुछ आप आगे देश के लिए कुछ अच्छा करवा पाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।